हेल्पलाइन डायग्राम, ये पूरा टॉपिक डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। इसमें हम लोग डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन दिए जाएंगे, उनमें जिसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ नंबर्स, जिसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके दो टाइप होते हैं, ये तो आप डायग्राम के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं एलिमेंट्स को, पहला टाइप है, या तो अरेंज कर सकते हैं एलिमेंट्स को इन डायग्रामेटिक फॉर्म। सपोज जैसे आपको ये दो फिगर दे दिए, एक फिगर ये हुई, इसके अंदर एक फिगर इंसर्ट कर दिए, ये हमें क्या शो करता है, एक फिगर के अंदर इंसर्ट है लेकिन वो पूरी तरीके से मिक्स नहीं है। सेकंड टाइप की हुई, जैसे ये हो गई, ये दो क्लासेस दे रखे हैं हमें, ये दो क्लासेस है लेकिन इनका कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो इसमें दो एलिमेंट्स ऐसे आएंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर या इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो दोनों में ही कॉमन नहीं है, दोनों क्लासेस में कॉमन नहीं है। इसके दूसरा टाइप होता है, या तो आपको डायग्रामेटिक दे देंगे, डायग्रामेटिक फॉर्म में इलस्ट्रेशन दे देंगे, आपको उसके बेस पे क्वेश्चन करना है, या आपको एक कंपाउंड फिगर दे देंगे, काफ़ी सारे फिगर दे देंगे, कंपाउंडेड फिगर जिसे हम बोलते हैं, उसमें आपको कुछ डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट सेक्शंस पार्ट कर दिए जाएंगे, आपको उनको डायग्राम जो इलस्ट्रेशन दिया जाएगा, कंपाउंड डायग्राम दिया जाएगा, उसके बेस पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला टाइप है, जैसे विच फिगर इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन एरोप्लेन ट्रेन ट्रेवल। अब ये आपको कुछ चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन का एग्जाम्पल है, जैसे ये आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा रिलेशन बेस्ट इंडिकेट कर रहा है एरोप्लेन ट्रेन ट्रेवल में। अब आप देखो एरोप्लेन, पहले तो आप इसके बीच का रिलेशन करके देखो, बीच का रिलेशन आ क्या रहा है इसमें, एरोप्लेन ट्रेन ट्रेवल, ट्रेवलिंग में आती है दोनों चीज़ें, एरोप्लेन भी ट्रेन भी, हम ट्रेवल कर सकते हैं एरोप्लेन से भी ट्रेन से भी, तो तीनों चीज़ें अलग तो है नहीं, बिल्कुल अलग क्लास नहीं है, कुछ ना कुछ तो कॉमन आ ही रहे हैं, तो ये वाली फिगर तो है नहीं, है ना। नेक्स्ट, अब इस ये वाली फिगर भी इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, भाई हम एरोप्लेन को भी सेपरेट नहीं कर सकते, ट्रेन को भी नहीं, ट्रेवल को भी नहीं, ये वाली भी नहीं है। इसमें क्या होता है, ये पार्टली, ये जो है ये फिगर सिर्फ पार्टली रिलेटेड है, ये इनका कुछ पार्ट रिलेट है, पूरी पूरी रिलेट नहीं है, कुछ कुछ पार्ट रिलेट है इनका, तो ऐसा ये फिगर इसमें नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एरोप्लेन को, ये कर रहा है ट्रेन को, और दोनों चीज़ें किसको रिप्रेजेंट करती है, ट्रेवल को। इस तरीके से भाई हम एरोप्लेन भी होगा, ट्रेन भी होगा, तभी तो हम ट्रेवलिंग कर सकेंगे, है ना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बैकवर्ड अनएजुकेटेड पीपल आर एम्प्लॉयड अकॉर्डिंग टू फिगर। ये आपको कंपाउंड फिगर दी गई है, इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कितने लोग जो हैं बैकवर्ड हैं प्लस अनएजुकेटेड हैं और एम्प्लॉयड भी हैं। अब आप देखो इसमें सेक्शन बांट दिए गए हैं, सेक्शन के पार्ट कर दिए गए हैं, एक सेक्शन का पार्ट एजुकेट कर दिया रखा है ट्राइंगल शेप में, एक सर्कल में दे रखा है बैकवर्ड, एक सर्कल में दे रखा है एम्प्लॉयड, है ना। अब आपको क्या देखना है इसमें, कितने अकॉर्डिंग फिगर के अकॉर्डिंग हमें पीपल बताना है जो बैकवर्ड है, अनएजुकेटेड है और एम्प्लॉयड है। अब आप देखो बैकवर्ड कितने कितने हैं, जो जो इसमें आ रहे हैं वो बैकवर्ड है 11,375, अनएजुकेटेड कौन से हैं, अनएजुकेटेड हो जाएंगे, देखो आप इसमें इन किस्में को अनएजुकेटेड नहीं दे रखा, एजुकेटेड दे रखा, तो एजुकेटेड से बाहर, उसकी क्लास से बाहर जितने भी नंबर होंगे वो सारे अनएजुकेटेड हैं, यानी ट्राइंगल से बाहर, यानी 1757 क्या हो गए हमारे, अनएजुकेटेड हो गए। और बैकवर्ड कौन से हो गए, 11,375, ये सारे हमारे बैकवर्ड हो गए। और जो एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड कितने हैं, 3,657, ये सारे एम्प्लॉयड हैं। अभी मैं कॉमन देखो क्या कॉमन आ रहा है इसमें, अब इसमें कॉमन देखो 17, इसमें 17 नहीं है तो 17 नहीं आएगा, 7 नहीं है कॉमन, ये भी नहीं आने का, 3 भी कॉमन नहीं है, 3 दो में आ रहा है, 6 भी नहीं, 11 भी नहीं, 5 कॉमन है, तो तीनों में क्या आ जाएगा, 5 कॉमन है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 5। 5% ऐसे हैं जो बैकवर्ड अनएजुकेटेड पीपल हैं और एम्प्लॉयड नहीं है, 5% ऐसे। इस तरीके से आपको ये पहले तो एक चार्ट बना लेना, कितने अनएजुकेटेड है, कितने एम्प्लॉयड है, कितने बैकवर्ड है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डायग्राम दैट रिप्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री। अब इसमें से कौन से डायग्राम है, चार डायग्राम में से मैं बता रहे हैं जो बेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कंट्री। डिस्ट्रिक्ट छोटा होता है, स्टेट उससे बड़ा होता है, कंट्री उससे बड़ी होती है, है ना। तो हमें डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन करना है, लेकिन क्या होते हैं, क्लासेस एक ही है ना, क्लासेस एक ही है, क्लासेस डिफरेंट नहीं है, एलिमेंट्स अलग है। तो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री में ये भी स्प्लिट फिट नहीं करता है, दोनों चीज़ें, उन तीनों में से कोई भी चीज़ें इक्वल नहीं है, है ना।
और ये वाला डिस्ट्रिक्ट छोटा होता है, स्टेट उससे थोड़ा बड़ा, फिर कंट्री। ये वाली फिगर बेस्ट रिप्रेजेंट करती है। इसमें क्या है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट कंट्री। इस फिगर का मतलब क्या है कि एलिमेंट्स पार्टी रिलेट करते हैं दूसरे से, लेकिन ऐसा भी नहीं है। और इसमें क्या है, तीनों क्लासेस अलग है लेकिन तीनों क्लासेस अलग नहीं है, तीनों क्लासेस सेम है, तो आंसर क्या हो गया बी। नेक्स्ट है, विच पार्ट रिप्रेजेंट ऑल ऑफिसर्स हु आर ग्रेजुएटेड पीजी। अब ये कंपाउंड फिगर दे रखी है, आपको इसमें बताना है कि कितने ऑफिसर्स इतने हैं ऐसे जो ग्रेजुएट है और पीजी, ये दोनों चीज़ें हैं। तो ऑफिसर देख लेते, पहले ऑफिसर कौन कौन से हैं, ई जी एफ सी, ये सारे ऑफिसर्स हैं, ठीक है। इस क्लास के बाहर ऑफिसर नहीं है, ठीक है ना। ग्रेजुएट कौन कौन से ऑफिसर, बी डी जी ई। और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कौन से ऑफिसर हैं, ए डी जी एफ। अब इन तीनों में से कॉमन देख लो, कॉमन कौन से ऑफिसर आ रहे हैं, सी इसमें और किसी में नहीं है, तो सी भी नहीं है, एफ एफ भी नहीं है, एफ सेकेंड वाले में नहीं है, और जी जी तीनों में है, ई ई भी नहीं है, अभी जी निकला है, ऐसे तो तीनों में कॉमन है, डी भी नहीं है, ए और डी भी नहीं है। तो जी कौन से ऑफिसर लोग हैं जो ग्रेजुएट भी हैं और पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, ग्रेजुएट भी ये ऑफिसर्स हैं इसके वाले, ठीक है ना। इस तरीके से आपको इन्हें सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं, डॉग कैट कैट है, कौन सी रिप्रेजेंटेशन, जो कौन सी फिगर है जो बेस्ट रिप्रेजेंट कर रही है डॉग कैट और पेट को। डॉग कैट दोनों ही पेट होते हैं, दोनों ही तरीके पेट है, तो क्लासेस तो दोनों अलग हैं बिल्कुल भी, ये भी बिल्कुल नहीं है, तीनों ही क्लासेस डिफरेंट नहीं है। पार्टी रिलेट नहीं है भाई, डॉग अलग है कैट अलग है ना, ये भी नहीं है। बची कौन सी, ये वाली, डॉग अलग है कैट अलग है लेकिन पेट है दोनों क्या है, पेट है ना। क्लासेस तीनों की अलग नहीं है। बिल्डिंग मटेरियल सीमेंट और वुड। अब इसमें देखो, बिल्डिंग मटेरियल किस किस चीज से बनता है, सीमेंट और वुड से क्या बनता है, बिल्डिंग मटेरियल बनता है हमारा, है ना। तो तीनों चीजें की क्लासेस अलग नहीं है, है ना, क्लासेस अलग नहीं है, तो ये भी गया। और बिल्डिंग मटेरियल भाई इसमें क्या है कि पार्टी रिलेट नहीं है ना। अब बच्चे कौन से, ये पार्टी रिलेटेड है, ये बिल्डिंग मटेरियल सपोज कर लो पूरा है, ये बिल्डिंग मटेरियल किस चीज से बनता है, सीमेंट से और वुड से, तो ये वाला बेस्ट रिप्रेजेंट हो जाता है हमारा। ये वाला चैप्टर थोड़ा सा है, छोटा सा है, इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं। दो टाइप की इलस्ट्रेशन होती है, ये तो आप डायग्रामेटिक के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको कंपाउंडेड फिगर दी जाएगी, उसके अंदर कुछ डिफरेंट नंबर ऑफ लेटर्स, डिफरेंट नंबर ऑफ ग्रुप्स दिए जाएंगे, आपको उनके बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें, और कुछ नहीं, बस आपको फिगर देखनी है कौन कौन सी आपको फिगर रिप्रेजेंट, मतलब आपको फिगर्स को देखना किस टाइप की इसमें फिगर्स हैं, क्या रिप्रेजेंट करती हैं वो फिगर्स। जैसे इस फिगर की क्लासेस दोनों अलग है, एलिमेंट्स भी सेम नहीं है, तो क्लासेस अलग है, कोई एलिमेंट सेम नहीं है। ये फिगर डिनोट करती है कि पार्टी, इतना पार्ट इनका, बस इतना पार्ट दोनों फिगर का रिलेट है। ये इंसर्ट है, एक फिगर पूरे तरीके से इंसर्ट है लेकिन एक दूसरे से रिलेट नहीं है, इस तरीके से। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसके। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है द बॉयज हु आर एथलीट्स, वो बॉयज बताने हमें जो एथलीट्स भी हैं, डिसिप्लिन भी हैं, और कौन से नंबर से को इंडिकेट करते हैं, हमें ये कंपाउंड फिगर दी हुई है, ये जो है डिसिप्लिन का रिप्रेजेंट करता है ये फिगर, और ये फिगर बॉयज का रिप्रेजेंट करता है, रेक्टेंगल बॉयज का रिप्रेजेंट करता है, सर्कल डिसिप्लिन का, और रेक्टेंगल एथलीट्स का, और ट्राइंगल गर्ल्स का। अब देखो इसमें क्वेश्चन में गर्ल्स की बात तो हो ही नहीं है, तो ट्राइंगल तो बिल्कुल है ही नहीं, गर्ल्स जो गर्ल्स की नंबर है वो बिल्कुल है ही नहीं, वो 4-8 हैंड ट्राइंगल में ये बिल्कुल भी नहीं है क्वेश्चन में। अब पूछे बॉयज बताने हैं ऐसे जो एथलीट्स के लिए डिसिप्लिन भी, और कौन से नंबर से इंडिकेट होते हैं। पहले देखते हैं बॉयज कितने हैं इसमें, बॉयज की काउंटिंग करते हैं, पहले 912 रेक्टेंगल में है बॉयज, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम डिसिप्लिन की देखते हैं, ऐसे बॉयज जो डिसिप्लिन है सर्कल वाले सारे 7, 6, 5, 4, 2 सर्कल वाले, अब रेक्टेंगल वाले एथलीट कितने हैं 10, 6, 2, 1। अब इन सब में कॉमन देख लो, कॉमन क्या है इन सब में, 9 कॉमन है, 9, 1 भी कॉमन नहीं है, 2 कॉमन आ रहा है। वैसे देखा जाए तो आगे एलिमेंट इसमें
में बच नहीं रहा था तो ही इसका आंसर होगा, है ना। आगे जब बॉयज में कोई एलिमेंट बच नहीं रहा था तो ही इसका आंसर है, चाहे इनमें कोई भी कॉमन हो, जैसे सिक्स कॉमन में कॉमन है नहीं माना जाएगा, ऐसा ही एलिमेंट माना जाएगा जो तीनों में ही, तीनों क्लास में कॉमन होगा वो भी एलिमेंट माना जाएगा। सिर्फ हमारा ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिसिप्लिन और एथलीट को मिला के भी आप कर सकते हो, बॉयज भी आपको काउंट करने एलिमेंट्स में, ठीक है ना। इस तरीके से ये चैप्टर है, तो बस इतना छोटा सा ही चैप्टर है वैसे तो, ये आज के लिए बस इतना ही। दूसरा सब्सक्राइब नहीं चैनल, बाय।